आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रदेश कार्य समिति सदस्य भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का स्वागत सुखदेव पहलवान हरबंसपुर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों द्वारा फूलमाला पहनाकर किया गया जोरदार स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मिथिलेश चौरसिया गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया प्रभारी मोनू विश्वकर्मा द्वारा दिनेश लाल यादव निरहुआ को राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौरसिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि ये जनपद पिछड़ों से पहचाना जाता है। यहाँ का पिछड़ा समाज बटा हुआ था जो अब एकजुट हो चुका है। इसका परिणाम 2022 विधानसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतकर पिछड़ा समाज इतिहास रचने का कार्य करेगा। क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गोरखपुर क्षेत्र मोनू विश्वकर्मा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज में आने वाले सभी जाति के लोगों की जातिगत जनगणना सरकार द्वारा कराई जाए, जिसे समस्त पिछड़ा वर्ग अपने राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयासरत है। पिछड़ा समाज में घोर निराशा व्याप्त है। जाति जनगणना होने से सरकार को पिछड़ा व कमजोर वर्ग की वास्तविक संख्या की सही जानकारी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से दुर्गविजय यादव, राजेश विश्वकर्मा, जय जय राम प्रजापति, अनिल चौहान, मुसाफिर चौहान, लक्ष्मण चौधरी, विधानसभा संयोजक मुबारकपुर ज्ञानपाल सिंह, आशुतोष यादव, डॉक्टर जे एल राजभर, रजनीश विश्वकर्मा, सत्यम विश्वकर्मा, छोटू विश्वकर्मा, विजय बहादुर विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, करमवीर शर्मा, हरकेश राजभर, रिंकू सिंह, रवि प्रकाश यादव, लालचंद सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मैं मिथिलेश चौरसिया, भाजपा पिछड़ा वर्ग जिले का महामंत्री हूँ। आज यहाँ पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, तो क्या करना चाहिए? आज देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि दिनेश लाल यादव जी हमारे पूर्व में आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज उनका प्रथम जनपद आगमन है और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पे हरबंसपुर तिराहे पर उनका स्वागत समारोह हो रहा है। आज उनका आजमगढ़ जिले में कई कार्यक्रम लगा हुआ है और अभी हाल ही में आगामी 2022 का चुनाव भी आने वाला है, ऐसे में क्या कहा जाएगा कि स्टार प्रचारक के रूप में याद क्या कहेंगे? आपके प्रश्न सही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनेश लाल यादव जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और आने वाले समय में दिनेश लाल यादव जी के नेतृत्व में आजमगढ़ की सारी विधानसभाओं में हम पिछड़ा वर्ग समाज एकजुट होकर के कमल खिलाने का कार्य करेंगे और इसका सारा क्रेडिट दिनेश लाल यादव जी को जाएगा। आज आ रहे हैं हमारे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे पूर्व में दिनेश लाल निरहुआ जी, आ रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हुए हैं, पहली बार आजमगढ़ में आ रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और आगे जो है वो बराबर आते रहेंगे। आजमगढ़ में जैसा कि वो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं और आगामी 2022 का विधानसभा का चुनाव है, तो किस तरह से देखा जाए उनका आगमन? हम ये नहीं बता सकते, ये तो पार्टी बताए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।